सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो तकरीबन कोई एक डेढ़ माह के बाद मौका मिला है आज वीडियो बनाने का और आपकी खिदमत में पेश होने का। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये बंदा किधर गायब हो गया, मुसलसल वीडियोज़ बना रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे मेरी थीसिस चल रहे हैं, तो थीसिस में बंदा इतना बिजी हो जाता है, काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी स्ट्रेप होते हैं। उस हवाले से मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अलग से, जिसमें मैं आपको पूरा यहाँ पे प्रोसेस बताऊंगा थीसिस का, क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है ग्रेजुएशन की। मेरे जो दोस्त भी हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज हम जा रहे हैं, यहाँ पे एक जॉब फेयर है हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से और यहाँ पे कुछ कंपनीज़ हैं, उन्होंने जो है वो मिल के जो है वो यहाँ पे एक जगह पे एक जॉब फेयर किया हुआ है। वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारे वहाँ पे जाएंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के, स्पेशली जो है वो हमारी सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी के। तो इस तरह के जो है वो जॉब फेयर और कैंपस रिक्रूटमेंट जो है वो यहाँ पर होती है, क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि यार हम चाइना जा रहे हैं, हम वहाँ से ग्रेजुएट होंगे, हमें डिग्री मिलेगी, लेकिन जॉब्स वगैरह के क्या ऑप्शन हैं। तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे किस तरह कंपनीज आती हैं और यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट या जॉब फेयर्स वगैरह यहाँ पे लगाती हैं, तो जिनसे जो है वो काफ़ी लोगों को यहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। और हमारे काफ़ी सीनियर दोस्त हैं जो पिछले साल ग्रेजुएट हुए थे, उनको बड़ी बड़ी कंपनीज में जॉब मिल गई चाइना में और चाइना से बाहर भी। पिछले दिनों भी काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या जो है वो यहाँ पर जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं। तो यहाँ पर जॉब्स होती हैं ज़्यादातर जो है वो चाइना में सेल्स वगैरह या कंस्ट्रक्शन टाइप साइड पर जो है जॉब्स होती हैं, टेक्निकल जॉब्स मिल जाती हैं मेजर के हवाले से, लेकिन उसमें पर थोड़ा कंपटीशन होता है। लेकिन ये कि अगर आप कॉम्पीट करते हो, मतलब कि बाकी लोगों से, अगर आपकी सीवी अच्छी है, आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आपका काम हो जाता है, आपको जॉब मिल जाती है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर सामने बस करिए और ये है वो बस आप देख रहे हो। अभी इस बस में हम जाएँगे उस जगह पर जहाँ पर जॉब फेयर है, तो पूरा सीन आपको दिखाएँगे इस वीडियो में। ठीक ठाक आप सुने। तो भाई लोग, हम बस में बैठ चुके हैं, काफ़ी यहाँ पे पाकिस्तानी और दूसरे फॉरनर्स भी हैं, चूँकि उन्होंने एक हफ्ता पहले ग्रुप में नोटिस भेजा हुआ था कि जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन के हिसाब से इन्होंने जो है वो बस प्रोवाइड की हुई है हमें। ये हमारा दोस्त भी यहाँ पे आ गया है, लोई भाई। तो हम भी अपने साथ ये सीवी जो है वो लेके आए हैं फाइल में। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तकरीबन कोई 13 से 15 कंपनीज के यहाँ पे जो है बंदे आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं। तो सीवी जमा करेंगे हम, ये थोड़ा बहुत जो है वो हमसे इंट्रोडक्शन वगैरह लेते हैं, मतलब कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमसे पूछते हैं, उसके बाद जो इनकी एचआर की कॉल है या जो टेक्निकल जो कॉल आती है वो फिर बाद में आती है इंटरव्यू की ना। तो आज जब सीवी सबमिट होंगी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिखा देता हूँ कंपनीज का। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कंपनीज हैं के बंदे हमें बैठे हैं। हेलो, ये ई कॉमर्स की कंपनी है ट्रेड जोन की, इनको जो है वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर चाहिए, इंटर्नशिप की पोजीशंस भी इनके पास अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये भी ट्रेड कंपनी है, ये जो है वो ट्रांसफार्मर के नाम से कंपनी है, इनको जो है वो इंजीनियर्स वगैरह चाहिए ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, आप देख रहे हैं इनके एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पे। ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी है, यहाँ पे जो है वो लोग खड़े हैं लाइन में, आप देख रहे हो। तो ये काम की कंपनी है सोचा जाए, क्योंकि बाकी जो सेल्स वगैरह की है तो उनमें तो जो है बंदे नहीं जाते ना। आपने सीवी जमा करा दी सर? सीवी जमा करा दी? यहाँ पे भी सेल्स वगैरह के बंदे चाहिए और मेजर के भी चाहिए इनको, मतलब कि कौन से मेजर यहाँ पे अवेलेबल हैं उनके हिसाब से यहाँ पे जो है ना बंदे। ये और ये है सन वार्ड कंपनी, इसमें हमारे जो है वो फाउंडर दोस्त भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये है जूम लायन हेवी इंडस्ट्री, ये इनकी जो कंपनी है वो बहुत ही फेमस है,
मतलब कि इनकी जो प्लांट वगैरह है वो काफ़ी ममालिक में है, यहाँ पे लोकल भी इनके ऑफिस हैं और काफ़ी मतलब कंट्रीज में सऊदी अरबिया दुबई वगैरह में इनको बंदे चाहिए होते हैं, काफ़ी पाकिस्तानी और दूसरे फॉरनर इनकी कंपनी में दुबई वगैरह में काम कर रहे हैं, इनको ट्रांसलेटर वगैरह भी चाहिए होते हैं। ये आईटी के रिलेटेड कंपनी है इंटेलिजेंट इक्विपमेंट्स के नाम से। यहाँ पे कंट्री वगैरह भी मेंशन करते हैं कि इनको कौन से कंट्री के लिए बंदे चाहिए ना, आप देख रहे हो यहाँ पे कि इनको यूरोप के लिए, नॉर्थ अमेरिका, पोलैंड, मेक्सिको, इन कंट्रीज के लिए बंदे चाहिए, सेल्स के लिए चाहिए और इनको मेजर के जो इलेक्ट्रिकल मेजर है या दूसरे मेजर हैं उनके बंदे भी चाहिए। ये मटेरियल्स की कंपनी है, ये इंजीनियरिंग की कंपनी है पावर चाइना चोंगनान, ये भी एक बड़ी किस्म की कंपनी है, इसका मैंने नाम सुना हुआ है पहले। ये आप देख रहे हैं इनकी जो है वो क्वालिफिकेशन वगैरह की भी यहाँ पर इन्होंने लगाए हुए हैं। फाइनली यहाँ पे जो है वो हुनान रस्ट ऑन इंडस्ट्रियल कंपनी लिमिटेड। अच्छा ब्रो, यू लेफ्ट व्लॉगिंग? नो नो, he is a vlogger from Changsha. You introduce yourself. You can call me Zoro. Almost 6 years I'm in Changsha, studying in Hua University. So how long you have been in China overall? In Changsha you have been living for 6 years, but overall China? 9 years. 9 years. That's good. Good. You have a good experience, bro. Good to see you here. Yeah, so when you are going to graduate? This year or next year? Next year. Next year? That would be another chapter. Yeah, that's good. Thank you. यहाँ पर उन्होंने वर्किंग लोकेशन लगाई हुई, आप देख रहे हो यहाँ पे उज़्बेकिस्तान, रशिया, थाईलैंड, इजिप्ट। लाजमी नहीं है कि मतलब कि जो है इन कंट्रीज़ के बंदे इनको मिले, ये दूसरे ममालिक के बंदे भी उठाते हैं फिर उनको ट्रेनिंग वगैरह देके, उनकी जो कोई इंटर्नशिप का कोई प्रोग्राम होता है वो करके फिर उसको उस कंट्री में वो बेचते हैं। काफ़ी लोग जो हैं पाकिस्तानी वो दूसरे ममालिक में यूरोप में और ये काम कर रहे हैं। मुझे भी एक ऑफ़र आई हुई थी एक यूरोप के कंट्री से, मैंने इंटरव्यू दिया हुआ था उनको, तो अभी तक उनका जो है रिस्पॉन्स नहीं आया, अभी देखते हैं कि क्या वो रिस्पॉन्स करते हैं। तो आइए बंदों से अभी इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं जिन्होंने सीवी जो है वो जमा करवाई हुई है। तो भाई आपने सीवी जमा कराई है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, कौन कौन से सवाल पूछे उन्होंने आपसे? अभी तो उन्होंने बंदा ही अपना था, बंदा अपना था। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मुबशर भाई, मैंने अभी इनको देखा वो किसी कंपनी में अपनी सीवी जमा करवा रहे थे। तो मुबशर भाई आप बताइए कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे, उन्होंने कौन कौन से आपसे सवाल किए, क्या बातचीत हुई? यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मेरे से एजुकेशन रिलेटेड क्वेश्चन किए कि आपकी एजुकेशन किस फील्ड में है, फिर क्योंकि मेरी फील्ड रोबोटिक्स में ही थी तो इनके पास भी जो जॉब थी वो रोबोटिक्स से रिलेटेड ही थी, तो इन्होंने बस कुछ मेरी सीवी वगैरह देखी, कुछ मेरे से प्रोजेक्ट वगैरह देखे और फिर इन्होंने कहा कि हम आपकी सीवी रख लेते हैं और आपको कुछ दिनों में अपडेट कर देंगे। बिल्कुल, तो आपकी जो अगली कॉल आएगी आपको एचआर की तरफ से आएगी, उसके बाद फिर आपकी टेक्निकल कॉल, मतलब 2 से 3 इंटरव्यू के राउंड होते हैं ना, फिर वो कॉल पे करते हैं या फिर वो वीडियो कॉल के जरिए या फिर वो ऑनलाइन करते हैं, या अगर चांगशा में कंपनी तो आपको यहाँ पे अपने ऑफिस में भी बुला सकते हैं लोग। सही सही। और एक बात और भी कहना चाहूँगा कि आपके चैनल को देखते हुए मैं चाइना आया। अच्छा, हाँ जी, ये बस। थैंक यू। हमारे मेजर की कोई एक दो कंपनी थी यहाँ पे, हमने वहाँ पे अपनी सीवी जमा करवा दी है, अब देखते हैं कि एचआर वाले या जो उनकी टेक्निकल टीम है वो कॉल करती है हमें इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उनके 2-3 राउंड्स होते हैं ना इंटरव्यू के, यहाँ पे ये बेसिक चीज़ें पूछते हैं, फिर जो डिटेल जो चीज़ें होती है टेक्निकल हवाले से वो फिर बाद में वो पूछते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो है वो जॉब फेयर किस तरह लगते हैं और कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनीज आती हैं वो किस तरह यहाँ पे बंदों को हायर करती हैं, और यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो है ना वो कैंपस से और इन जॉब फेयर से जॉब मिलती हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।